हमारे भी घर के अंदर की तरह रेट नहीं जाने की प्रारंभ होती है। टीओ 41 फीट अटर्ली उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट साहबान क्या रहे हैं कैप्टन सुनील के फादर। जैसे कि आपको पता है मेरा बेटा 2008 में असम में उल्फा उग्रवादियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हुआ था और उसको कीर्ति चक्रा और सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। आज 15 साल हो गए हैं उसको शहीद हुए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। रोज़ हम मेमोरियल पर आते हैं, देखते हैं, दुख बड़ा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब उसके मैं कारनामे देखता हूँ तो जो मैं भी 40 साल फौज में नौकरी करके लगता है जैसे कल की बात है। रोज़ हम मेमोरियल पर आते हैं, देखते हैं, दुख बड़ा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब उसके मैं कारनामे देखता हूँ तो जो मैं भी 40 साल फौज में नौकरी करके आया हूँ, मैं 40 साल में नहीं कर पा रहा, वो मात्र 3 साल की सर्विस में करके चला गया। दुख भी बहुत है, लेकिन गर्व से सीना भी फूल जाता है जब उसके मैं कारनामे सुनता हूँ। यहाँ पर डीसी साहब आए, एसपी साहब आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और जितनी भी पब्लिक यहाँ पर आई है श्रद्धांजलि के लिए, और मीडिया का मैं धन्यवाद। ये हर वर्ष आप जानते हैं 27 जनवरी को हमारे ही ज़िले के एक महत्वपूर्ण सपूत कैप्टन सुनील चौधरी जो दिवंगत हुए थे आज के दिन देश की सुरक्षा करते हुए तिनसुखिया नामक स्थान पर कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं, उन्हीं की याद में उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। एक दिन होता है जब हम उनके द्वारा की गई सेवा को याद करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि उन्होंने जिन उसूलों के लिए जान दी उन उसूलों को अपने जीवन में जिंदा रखेंगे और मातृभूमि की इसी प्रकार रक्षा करते रहेंगे। युवाओं को क्या सब ये शहीदी दिवस हर साल इस दिन मनाया जाता है। जैसे आपको पता है शहीद सुनील चौधरी जी जो कि असम में 2008 में उल्फा मिलिटेंट्स के खिलाफ वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन्हीं की याद में मनाया जाता है और ये खासकर कठुआ वासियों के लिए, यूथ के लिए एक गर्व की बात है और ये एक उनकी जो शहादत है ये एक यूथ के लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि वो इसको एक पॉजिटिव वे में लें और आर्मी और बेल फोर्सेस पे जाएं और देश की सेवा करें, जिससे कि हमारे बॉर्डर जो हैं वो